मेरा ये मानना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, हमारे यूथ को अगर आगे बढ़ना है, तो हमें इस हर्ड माइंडसेट से अपने आप को तोड़ के, अलग सोच के, अपनी एक दुनिया बनाने का जज्बा और उसके साथ एक्शन लेने का भी हिम्मत होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने एज एन ऑथर अपने आप को जाना जाना, आपने 3 किताबें लिख ली हैं अभी तक, तो आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई, एंड देन क्या पेरेंट्स या फिर फैमिली में भी कोई ऑथर रहा है जहाँ से आपको लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली हो? एक्चुअली मेरी फैमिली में क्रिएटिविटी इतना नहीं था, एंड कोई ऐसे ऑथर राइटर नहीं रहा हुआ है। मैं काफ़ी ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ था, एंड मेरा जन्म ग्वालियर करके मध्य प्रदेश में एक जगह वहाँ हुआ था। एंड बहुत ही मेरा मानना है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला। उनका फोकस हमेशा से एजुकेशन पे बहुत था, तो मैं बोर्डिंग स्कूल में भी गया, सिंध्या स्कूल करके। फिर मेरे माँ बाप दिल्ली मूव हुए, तो उनके एम्बिशंस को लेके, काम को लेके, पैसा कमाने को लेके। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में भी रहा कुछ समय, फिर मैं यूएस गया पढ़ने, जहाँ पे मेरे अंकल रहते थे बॉस्टन में। तो मैंने वो बिजनेस डिग्री भी करी, यू नो, प्रॉपर इंजीनियरिंग माइंड, ऑल दैट, वो मैंने फुल देखा है। मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, स्टार्टअप वर्ल्ड में भी था, तो मैंने वो सब दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, उसको मैं समझता हूँ। एंड फिर ये सब छोड़ के मैंने लास्ट जो 6-7 सालों से इंडिया में भटका हूँ, घूमा हूँ, लेखकी शुरू हुई, कहानियां शुरू हुई। आपसे जानना चाहेंगे आगे कि आपकी हॉबीज और क्या है, या फिर अदर इंटरेस्ट क्या है अदर देन राइटिंग, एंड आप अपने फ्री टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? मैं डांस म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, तो मेरे दोस्तों के साथ डांस डांस फॉर्म्स में दिलचस्पी लेना, या म्यूजिक, मेरे मेरे एक्चुअली खासकर ज़्यादातर मित्र डांसर्स या म्यूजिशियंस हैं, तो मैं इन लोगों के साथ काफ़ी समय बिताता हूँ जब मैं नहीं लिख रहा होता हूँ। तो डांसिंग एंड म्यूजिक एंड कलाकार भी काफ़ी हैं, मतलब आर्टिस्ट, तो इन लोगों के साथ मेरा काफ़ी समय बीतता है जब मैं लिख नहीं रहा होता हूँ या दूसरे काम नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ बिल्कुल मुझे मुझे बहुत सीखने को मिलता है, मुझे बहुत अपने आप को समझने को मिलता है थ्रू कला। आगे आप तो जानना चाहेंगे कार्तिकी कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है? मेरे ऑथर्स चेंज होते रहते हैं, बट लास्ट कुछ सालों में मैं एक जापानीज राइटर है, हरुकी मुराकामी, उनको काफ़ी मैंने पढ़ा है। आई रियली फाइंड उनकी राइटिंग बहुत पावरफुल है। आगे आपसे बात करते हैं, आप तो जानना चाहेंगे कि आपकी जो पहली बुक थी उसकी क्या स्टोरी रही है पीछे, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, और आपकी जो बुक थी, फर्स्ट बुक थी, उसका कैसे रिस्पॉन्स आपको मिला? सो मेरी पहली किताब का नाम ड्रीम बियॉन्ड शैडोज है, उसी से मैं इस दुनिया में घुसा हूँ, क्योंकि वो 4 साल पहले लॉन्च हुई थी, एंड बहुत लोगों ने हजारों की तादाद में उसको बहुत प्यार दिया। मैं वो कहानी लिख रहा था जब मैंने न्यूयॉर्क छोड़ा था, मैंने अपनी वहाँ जिंदगी छोड़ी थी, फिर मैं पेरू साउथ अमेरिका पहुंच गया था, अमेजोन जंगलों में रहा था, शामंस के साथ रहा था, तो मेरी लाइफ इतनी ड्रामेटिकली चेंज हुई थी, एंड मतलब सब कुछ अंदर टूट गया था। तो वो ब्रेकिंग जो होता है ना, जैसे हमारा जो सिस्टम होता है, जब अंदर से सब टूट जाता है, उसके बाद क्या बचता है सिस्टम में, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए ये सब कहानियां लिखनी शुरू हो गई। बट मेरा मेन इंटेंशन ये सारी किताबें लिखना मेरे लिए है ही नहीं, मेरे को तो ये सब चीजें ऑलरेडी मेरे अंदर कहानियां है, तो मुझे ये शेयर करना है लोगों से, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये एक इंसान के भी कहीं ना कहीं उनको कुछ इंस्पायर करके, ट्रिगर करके, उनके अंदर कहीं कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में चेंज हो जाए, आई फील हैप्पी।